आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में खुशी का पर्व का माहौल है। इस आज़ादी की खुशी भारत को अपनी माँ मानने वाले हर एक बेटे के दिल में है और वह अपने अपने तरीके से देश के जगह जगह स्थानों में, विद्यालयों में, कार्यालयों में, अपने अपने घरों में, सामूहिक ग्राउंडों में अपने अपने तरीके से इस स्वतंत्रता दिवस को, अपने देश के स्वाभिमान महान तिरंगे को लहरा करके मना रहे हैं। और ऐसे में ही इसी पर्व के बीच में हम आप सभी को पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के सानिध्य में इस पवन पावन धर्म धूरी में यह स्वतंत्रता दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विश्वास मानिए भाइयों बहनों, हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो इस देश की नींव को मजबूत करके अपने आप को देश के लिए समर्पित करने वाले लोगों में से हैं। आज का दिन उन वीर बलिदानी पुरुषों को, महापुरुषों को याद करने का है जिन्होंने हमें यह आजादी दिलाई। अपनी जान की परवाह किए बिना हम सब जानते हैं हर महापुरुषों के विषय में। हम अपने विद्यालयों में पढ़ते हैं, अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, अपने घरों में पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं और जितना हम उन्हें पढ़ते हैं हर बार हमें एक देश के लिए समर्पित होने का नया जोश, नई ऊर्जा उनसे प्राप्त होती है। वे वीर महापुरुष जिन्होंने अपने बारे में परवाह किए बिना, अपने परिवार के बारे में परवाह किए बिना केवल इस देश को अपने से आगे रखा, इस देश को अपने जीवन से आगे रखा और यातनाओं को सहने के बाद हमें यह आजादी दिलाई। आज हम आजाद भारत में श्वास लेते हैं, हम स्वयं को आजाद कह सकते हैं, हम संविधान के दायरे में रह करके अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, हम पे कोई बंदिशें नहीं है, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी, हमें दूसरों के टुकड़ों में नहीं पलना। यह देश हर एक व्यक्ति को यह मौका देता है कि वह स्वयं को आगे बढ़ा सके और देश निश्चित रूप से नित्य प्रतिदिन धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है हमें उस पर गर्व है, मगर विचारणीय विषय भी है कि यदि देश इसी गति से आगे बढ़ता चला गया और देश को अंदर से खोखला करने वाले दीमक इसी प्रकार से यदि देश में पनपते चले गए तो यह आजादी भी कुछ दिन बाद आजादी कहलाने योग्य नहीं रह जाएगी, यह आजादी भी गुलामी योग्य ही बन जाएगी, यह आजादी भी हमें जकड़े हुए सी महसूस कराएगी। आज पूरे देश में जहां एक और देश को सशक्त करने की बात होती है, वहीं देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की बात करने वाले लोग भी इसी देश में रहते हैं। आज देश को जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, आज वह आपसे आपकी जाति पूछना चाहते हैं। अभी तक धर्म में लोगों को बांटते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में लोगों को बांटते थे, लड़वाते थे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे और धर्म से लड़वाने के बाद भी जब उन्हें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब धर्म के नाम पर लड़ने से बचने लगी है, तो जाति के नाम पर लड़ाने में आगे बढ़ा दिया देश को। धर्म को भी बांट करके टुकड़ों टुकड़ों में कैसे लड़ाया जाए, इसकी विदेशी साजिश को भारत में बैठे हुए कुछ नेताओं द्वारा लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही दुखद, अभी हमने हाल ही में देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन की ऐसी लहर चली, ऐसी वहां पर आपराधिक तत्वों ने, अराजक तत्वों ने एक आंदोलन के नाम पर पूरे देश को तहस नहस करने का प्रयास किया और जैसे ही वहां पर सरकार गिरी आपने देखा वहां पर क्या हुआ, वहां पर नरसंहार होने लगा हिंदुओं का, वहां पर धर्म देख करके लोगों को मारा जाने लगा, महिलाओं के बलात्कार किए जाने लगे। उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने यह नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो, अगर तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम तुम्हारा रेप नहीं करेंगे, अगर तुम दलित हो शूद्र हो तो तुम्हें मारेंगे नहीं, अगर तुम ब्राह्मण ठाकुर हो तो तुम्हारी हत्या करेंगे नहीं तो हम नहीं करेंगे। जाति पूछ करके उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने मारा तो केवल यह देख करके मारा कि यह हिंदू
देवताओं की पूजा करता है, इन्हें हमें समाप्त करना है। या हमारे धर्म को नहीं मानता, हमें इन्हें समाप्त करना है। या काफिर है, हमें इन्हें खत्म कर देना है। इस विचारधारा को लेकर के कार्य किया गया, यह सबक लेने के लिए क्या पर्याप्त नहीं? देश के हिंदुओं के लिए क्या यह संकेत नहीं, जो जाति पे बट जाना चाहते हैं? अन्य कोई भी धर्म जाति में बटना नहीं चाहता, उनमें एकजुटता है, यह अच्छी बात है। उनके धर्म के लिए यह अच्छी बात है, मगर आज हिंदू धर्म के लोगों को जागना होगा। हम सभी धर्म के सम्मान की बात करते हैं, हम सभी धर्म को प्रेम से सद्भाव से भारत भूमि में रह करके देखना चाहते हैं, मगर निश्चित रूप से आज जो समय है, यह जागने का समय है, यह विचार करने का समय है कि जातियों में बट करके कहीं ऐसा ना हो हम कमजोर पड़ जाएं और वह विदेशी ताकतें सफल हो जाएं देश का बंटवारा करने पर। एक बार पुनः देश को तोड़ने के लिए, देश को खंड खंड करने की साजिश रची जा रही है। मैं अपने भाइयों बहनों से कहना चाहती हूं, इनकी साजिश में मत फंसो, जाति भेद को भूल जाओ। हम मानव हैं, मानव बनो, अपने धर्म का पालन करो, दूसरों के धर्म का सम्मान करो। अपने धर्म के लिए यदि लड़ना पड़ जाए तो अपने हाथों को कभी पीछे मत खींचो, एक दूसरे की सहायता के लिए सदैव आगे बढ़ो, जाति देख करके आगे मत बढ़ो। देश को पीछे खींचने का प्रयास किया जा रहा है। एक और नारियों की सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, आए दिन देश में महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। हाल ही में कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ कितनी विभत्स घटना हुई, पूरे देश ने इसकी निंदा की। यदि उस डॉक्टर की आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सिहर जाएंगे ये सोच करके कि कोई इतना भयानक दानव जैसा कृत्य भी कर सकता है। और ऐसे केवल एक घटना या तो सामने आ जाती हैं, ऐसी हजारों घटनाएं होती हैं, विभत्स होती हैं, जिनके बारे में देश को पता तक नहीं चल पाता। मगर यहां राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इस पर भी अपनी राजनीति करते हैं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर भी अपनी राजनीति करते हैं। यदि उनकी पार्टी का कोई अपराधी है तो उसको बचाने के लिए पूरी सरकार के तंत्र लग जाएंगे, दूसरी जगह पर होंगे तो उस पर आलोचना के लिए पीछे दौड़ करके चले जाएंगे, उसको टूरिस्ट स्पॉट बना लेंगे, हर नेता वहां पर घूमने विजिट करने वहां पर मिलने के लिए जाना चाहेगा। क्यों नहीं सभी नेता एकजुट होकर के महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाते? इसलिए नहीं उठाते क्योंकि अंदर से यह सारे के सारे भ्रष्ट हैं, अंदर से इन्हें देश की कोई चिंता नहीं, अंदर से इन्हें नारियों की कोई चिंता नहीं, अंदर से इन्हें युवाओं की कोई चिंता नहीं, या पूरे देश के युवा को नशे के दलदल पर ढकेल देना चाहते हैं। इस तरह से हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो तीन धाराएं परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताई हैं, जो तीन कर्तव्य गुरुदेव जी ने बताए हैं कि धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए जब तक अपने जीवन को आप समर्पित नहीं करेंगे, इस देश को कभी आप ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाएंगे। मैं नहीं मानती कि वह देश का प्रधान, देश का हितैषी हो सकता है जो देश में नशा बंटवाता हो। मैं नहीं मानती वह देश का मुखिया, देश का हितैषी हो सकता है जो गौहत्या को बढ़ावा देता हो, जो बीफ का ट्रांसपोर्ट भारत देश से बड़े पैमाने पर करवाता हो। और यह सभी सरकारें करती हैं, एक पर भरोसा करो कि दूसरा शायद वैसा नहीं करेगा, या वह भी ऐसा करते हैं। पूरी तरह से इन भ्रष्ट पार्टियों ने देश को अंदर से अंदर खोखला करने का प्रयास कर लिया। हमें ऐसे तंत्रों से अपने देश को बचाना होगा, वामपंथी विचारधारा से हमें अपने देश को बचाना होगा, नक्सलवादी विचारधारा से हमें अपने देश को बचाना होगा, कट्टरपंथी विचारधारा से हमें अपने देश को बचाना होगा। और इस देश को बचाने का एक ही रास्ता है कि हम सब सभी मानवता के पथ पर आगे बढ़े, हम सभी धर्म के पथ पर आगे बढ़े, हम सभी समाज की सेवा के पथ पर आगे बढ़े। विदेश से एक रिपोर्ट आती है देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, और भारत में बैठे राहुल गांधी जैसे लोग विलाप करने लग जाते हैं, देश को अंदर से तोड़ने की कितनी बड़ी साजिश करते हैं कि आप देश में रहते हैं तो देशभक्त होने का दावा करते हैं, देश में रहते हैं तो धर्म भक्त होने का दावा करते हैं, और जब विदेशों में जाते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में जाकर के उनके भाषण सुनिए, भारत देश को कितना नीचा गिराने और कितना नीचा दिखाने का यह प्रयास करते हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसी विचारधारा के लोगों से हमें अपने देश को बचाना होगा। राहुल गांधी जैसे लोग जिन्हें स्वयं अपनी जाति का पता नहीं, जिन्हें स्वयं अपने धर्म का पता नहीं, वह दूसरों को जाति में बांटने
रहने की बात करते हैं, वह दूसरों की जातियों को पूछने की बात करते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में आप सभी को आने की आवश्यकता नहीं है, विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसी विचारधारा से हम कैसे स्वयं को बचा सके, अपने देश को बचा सके। हमें इन सभी विचारधाराओं का विरोध करना होगा और एकजुट होकर के मैं सभी देशभक्तों से कहना चाहूंगी, बार बार मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी समय है, जाग जाइए। देश विरोधी ताकतें एकजुट होकर के गठबंधन बनाकर के इस देश को खोखला करने का प्रयास कर रही हैं, तो देशभक्त की ताकतों को भी एकजुट होकर के कार्य करना पड़ेगा। जिन्हें वास्तव में देश की चिंता है उन्हें एकजुट होकर के एक छत्र छाया के नीचे आकर के इस देश की रक्षा का संकल्प लेना होगा, तभी हमारे भारत देश है विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़ पाएगा। हम सभी अपना योगदान देते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी से जुड़ा हुआ हर एक शिष्य इस देश के निर्माण में अपना अपना योगदान अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दे रहे हैं। यही संकल्प हमें आज समाज के अन्य लोगों को भी दिलाना है, अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना बने भरें, अपने बच्चों को फिल्मी गीतों, फिल्मी एक्टर एक्टरों के चरित्र ना सिखा करके उन्हें महापुरुषों के चरित्र बताने का प्रयास करें, उन्हें महापुरुषों की वेशभूषा बताने का प्रयास करें, उन्हें उनके संघर्ष बताने का प्रयास करें, उन्हें उनके बलिदानों को बताने का प्रयास करें। और जैसा अभी आपने काव्य पाठ में गीतों के माध्यम से भी सुना कि आजादी वास्तव में हमें शांति से प्राप्त नहीं हुई, अहिंसा से प्राप्त नहीं हुई, हिंसा से प्राप्त हुई है। जाने हमारे कितने लोगों ने बलिदान दिए तब जाकर के यह आजादी प्राप्त हुई। अपने बच्चों को यह बताइए, यह मत उन्हें बताइए कि आजादी शांति से मिल गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस आंदोलन किया और अंग्रेज भाग गए। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे वीर पुरुषों ने सीने में गोलियां खाई हैं, अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे वीर महापुरुष फांसी के फंदे पर झूले हैं, अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे देश के जाने कितने छोटे छोटे बच्चे युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ करके चले हैं। 10-10, 12-12, 16-16 साल के युवा अपने अपनी देश की जान बचाने के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए अब अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ते चले आए हैं, तब जाकर के आजादी प्राप्त हुई है। यह आजादी सामान्य नहीं है, इसका महत्व जानिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप खोखले उत्सव मनाते रह जाए और धीरे धीरे हमारा देश गुलामी की राह पर दोबारा चल सके। एक बार पुनः हम आप सभी संकल्प लेते हैं कि हम इस देश की रक्षा के लिए तन मन धन से आगे बढ़ेंगे, परम पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा से आगे बढ़ेंगे और तीनों धाराओं में अपने जीवन को समर्पित करके इस देश की रक्षा का हम आज संकल्प लेते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और यह वर्ष भी हम इस देश को और मजबूती की ओर ले जाने के लिए मनाएंगे। जय माता की, जय गुरु की, जय हिंद, जय भारत।